हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। यार छोटा सा ना एक्सीडेंट हो गया, मैं बताता हूँ कैसे हो गया। एक सेकंड, तो हुआ ये था कि मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था कनॉट प्लेस से अपने देहरादून मजफ्फर जा रहा था। तो बीच में द्वारका में राजापुरी साइड एक रोड के बीच में छोटा सा पप्पी आ गया, कुत्ते का छोटा सा बच्चा पप्पी। तो रोड के बीच बीच में ब्रेक मारे, उसको देख के गाड़ी के मैंने ब्रेक मार दिए। मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ, भाई हट जा यार, हट जा, हट ही नहीं रहा यार। उसके बाद मैं जैसे गेट खोल के उतरा नीचे, तो वो गेट के पास सुन के गाड़ी के अंदर घुस गया। जरा बताओ, पीछे मेन रोड पे बीच में गाड़ी रुकी पड़ी है। रात के 12:30 बजे का टाइम था, ईद से एक दिन पहले वाली रात थी। ईद थी जिस दिन भी, उस दिन से एक दिन पहले वाली रात थी। अब मैं उसको, मेरा फ्रेंड भी था साथ में, तो अब मैं उसको लिखा रहा हूँ, आजा 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 दिन के सामने आने के, ऐसे मैं उसको लिखा रहा हूँ कि आजा भाई आजा। तो वो आ नहीं रहा है यार, पीछे ट्रैफिक लगे जा रहे हैं। अब मैं गाड़ी चला दूं तो उसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है वहां पे पप्पी है, लेकिन पीछे वालों को नहीं पता, वो उड़ते जाएंगे वो बेचारा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा मारा, मैं उसको टांग पकड़ के उसको खींच लिया। अब मैं उसको ऐसे उठा के ले जा रहा हूँ, ऐसे मेरे हाथ ऊपर है, मैं उठा के ले जा रहा हूँ। पता नहीं कैसा है भाई, क्या ठीक है, कुछ छोटा काट टूट ना ले, कुछ हो ना जाए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस चल रहा है अपना, पीस हुआ रेस्ट। तो मैं उसको उठा के जब ले जा रहा था ना, अब मैं डर गया थोड़ा सा, वहां से उसकी माँ भोंकने लग गई, मम्मी हो गई। तो उसको डर के मैं ऐसे ऐसे लेके जा रहा हूँ भाई, उसको देखते देखते फैल रहे थे। तो मेरा ध्यान उसकी तरफ था, और इधर से जो ट्रैफिक लग चुका था, इस दौरान 2 मिनट हो गई थी, मेन रोड पे 2 मिनट बहुत होती है, ये पूरा प्रोसेस 2 मिनट में हो चुका था। 2 बार हॉर्न मारा, उसने नहीं हटा, मैं 2-3 हॉर्न में बाहर निकला, बाहर निकल के उसके बाद मैंने उसको निकाला ऐसे, आ जा आ जा, 30-40 सेकंड लगे होंगे, 30-40 सेकंड में बहुत ट्रैफिक लगता है मेन रोड पे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये सब 2 मिनट में हो गया। तो जैसे वो निकला मैं आया, तो 2 मिनट में काफी ट्रैफिक हो गया रात के 12:30 बजे। तो लेकिन वो जो ट्रैफिक था, तो इस साइड तो बाइक वाइक तो आई जाती है, तो बाइक वाला एरिया फिर भी तेज तेज निकल रही थी, मैंने ध्यान दिया नहीं। तो उसकी कुत्ते की मम्मी को देख के, उसको देख के वैसे ना, मेरे तो भागे तो भाई, उसको छोड़ दू मुझे ना काट ले। तो मैं ऐसे उसको देख के भाग रहा हूँ फुटपाथ पे रखने के लिए, सब बाइक वाले आते मुझे बहुत प्यार वाला धक्का दिया, 80 की स्पीड में था। तो मैंने उस पप्पी को ऐसे पकड़ रहा था, तो ये मेरी जो एल्बो है तो उसके मुंह पे कहीं लगी, तो यहाँ पे थोड़ी खोच आई है। लेकिन उस पर लगने के बाद उसका टायर में ऐसे मेरा उसका मेरा ये वाला फट आ गया था, तो इस पे चढ़ा तो इसमें एक क्रैक आ गया है थोड़ा सा, एंकल के डाउन साइड बच गया, ये चोटें लग गई है, और फोटोज और वीडियोज तो दिखी दी होंगी आपको पहले लगा दी है। तो ये सब होने का रीजन ये है बताने का, कि अब थोड़े टाइम 1-1.5 महीना वीडियोस मेरे बिगड़ आएगी, या मेरे वॉइस के बिगड़ हो सकती है, लेकिन स्टेप टू स्टेप जरूर होंगी। यूट्यूब की जो वीडियो होंगी या रील्स वगैरह जो होंगी, स्टेप टू स्टेप होंगी, आपको समझ आएगी। बट या मैं नहीं दिखूं या मेरी वॉइस ना हो, तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और आपको दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट 7 लाख हो गए हैं सब्सक्राइबर, आप लोगों की प्यार की वजह से 688 हो गए हैं, तो वेरी क्लोज टू मिलियन। ओके, सी यू आफ्टर 1.5 मंथ, 1.5 महीने के बाद मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, बाकी रुकने वाले तो अपन है नहीं। थैंक यू, पी स्क्वायर सलाम।